करंट कुटान में आया हूँ, जो कि पट्टी नारायणपुर से सरपता तक का रास्ता इतना जाम हो गया पानी से कि लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। आज मैं एक जीप वाले से पूछता हूँ कि इन्होंने ये रास्ता कब से नहीं बना, यहाँ के विधायक कौन है? ललई यादव है। यहाँ रास्ता कब से नहीं बना है? ओके चाचा, ये कब से नहीं बना हुआ है? अभी साथ ही यहाँ के विधायक जो आते हैं आपके पास में वोट मांगने आते, फिर उसके बाद में गायब हो जाए। और ये रास्ते का कोई उपाय योजना है? यहाँ लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में, पानी बढ़ रहा है, तीन तीन फीट पानी आता है, रास्ता टूट गया है, कभी भी रास्ता नहीं बनाया जा रहा है। ये कौन सा रास्ता है? पट्टी नारायणपुर से लेकर मेन रोड, पट्टी नारायणपुर से लेकर सुल्तानपुर, सुल्तानपुर यानी हाईवे आगे हाईवे। और ये रास्ता ऐसा है, ऐसा रास्ता है, इसके पर कोई ध्यान दे रहा है? कोई नहीं ध्यान दे रहा है। पट्टी नारायणपुर के पट्टी नारायणपुर से लेकर सहारनपुर तक का रास्ता है, जो कि रास्ता बहुत ही खराब है। सिर्फ एक थोड़ी सी बारिश क्या हुई, यहाँ पूरा रास्ता जाम हो गया। सड़क है कि मट्टी है कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज ये यहाँ के स्थानीय हैं, व्यापारी हैं, इनसे बात करता हूँ। रास्ता कब से चल रही है? 15 साल हो गए, अभी बना नहीं। रोड लोग देखते हैं, चुटाइल होते हैं, परेशान होते हैं। अभी तो चुनाव हुआ था प्रधान का, प्रधान लोग ने कुछ वादा किया था आपसे? यहाँ पंचायत वाले रमेश सिंह कहे थे कि मैं इसको जल्दी से जल्दी बनवा दूँगा। रमेश सिंह वो अभी प्रधान है कि क्या है? जिला पंचायत सदस्य है, सदस्य है जिला पंचायत, जिला पंचायत। उन्होंने वादा किया है, किया है कि मैं इसको बनवाऊंगा। यहाँ के विधायक कौन है? विधायक ललई यादव। अरे तो राज्य ऊर्जा राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, यहाँ पे ध्यान नहीं है उनका। 15 साल इसके पहले जो सपा सरकार थी उसके ललई यादव राज्य ऊर्जा राज्य मंत्री, 15 साल से व्यापारी कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा, कोई 30 साल कह रहा है, कोई 35 साल पानी आ रहा है, इसको कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। आपका नाम बताइए? शिवम सिंह करके है। आप यहीं पे स्थानिक हैं? आज मैं पट्टी नारायणपुर के यहाँ आया हूँ, जो कि पब्लिक की समस्याओं को लेके मेरा हरदम रहता है कि मैं कहीं भी जाता हूँ मैं पब्लिक की समस्या उठाता हूँ। मैं किसी लीडर उडर की समस्या नहीं लेता, मैं पब्लिक की समस्या उठाता हूँ अपने चैनल के माध्यम से और लोगों तक पहुँचाता हूँ। काम इसके लिए विकास खंड कुटान तुरंत काम करे, पब्लिक की समस्याओं को समझे, नहीं तो